नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज पटियाला में शांति मार्च। पंजाब की शांति और समृद्धि को समर्पित होगा मार्च। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी की। 117 में से अब तक कुल 96 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है पार्टी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में जीत से आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली संजीवनी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बदलाव के मूड में पंजाब की जनता। चंडीगढ़ में केजरीवाल के विजय मार्च में उमड़ी लोगों की भीड़। विजय जुलूस में आप कार्यकर्ताओं का जोश दिखा हाई। दिल्ली में आम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। वित्तीय आवंटन को लेकर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बोल, कहा 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिए तो 50 रुपए में शराब देंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी ऐसी शैली। प्रशासन पर अच्छी पकड़ होना पीएम का मजबूत पक्ष। दिल्ली में गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़। बस मिलने में देरी से फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही है बसें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी मात्रा में हथियार बरामद। 10 सब्जी वालों की दुकान से विस्फोटकों का जखीरा मिला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए। पुलिस का दावा, अब पूरे कश्मीर में 200 से कम आतंकी। बिहार के समस्तीपुर में समाज सुधार अभियान में बोले सीएम नीतीश, महिलाओं की मांग पर बिहार में लागू हुई शराबबंदी, इस अभियान को और आगे ले जाएंगे। बिहार में खाद की किल्लत पर गरमाई राजनीति। जेडीयू खाद की किल्लत को दूर करने का दे रही है भरोसा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस कानून के अनुपालन कराने के लिए सरकार ने पुलिस मध्य निषेध विभाग और उत्पाद विभाग को सख्त निर्देश दिया है। पुलिस ने मोहनचक गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नववर्ष आगमन को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट। पुलिस लगातार शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए कर रही है कार्रवाई। छपरा में डकैतों ने जमकर आतंक मचाया। एक घर पर धावा बोलकर 10 बदमाशों ने तकरीबन 10 लाख रुपए की लूट की। जमशेदपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया, 2 तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा में कैश वैन के गार्ड की बंदूक से अचानक चली गोली। गोली लगने से एक राहगीर महिला घायल हो गई है। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लिया। बोकारो में युवती का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद। मृतक के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। कटिहार में एक अज्ञात की सिरकटी लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता संजय सागर को गोली मारी। घायल को हिलसा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखकर पटना रेफर कर दिया। आरा सदर थाना इलाके में हुए किराना कारोबारी हत्या के मामले का पुलिस ने कर दिया है खुलासा। मास्टरमाइंड और लाइनर समेत हत्याकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। 23 दिसंबर को लूट के दौरान हुई थी हत्या। विक्रम थाना अंतर्गत एनएच 139 के पास पुलिस ने बीती रात एक ऑटो से करीब 318 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त किया। शराब की बोतल की गिनती कर थाने में प्राथमिकी दर्ज। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड में 4 दिन पहले एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारी। इसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। हत्या को लेकर आक्रोश में लोग। खगड़िया सदर प्रखंड के दक्षिणी पंचायत के मुखिया के कार्यालय पर अपराधियों ने की फायरिंग। मुखिया के वाहन को भी किया आग के हवाले। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विरोध में समर्थकों ने सड़क जाम किया। धनबाद में ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा। बाल बाल बचे ट्रक ड्राइवर और खलासी। राजगंज थाना इलाके का मामला। हजारीबाग में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मवेशी की मौत। इचाक प्रखंड के डाढ़ी घाघर पंचायत का मामला। फारबिसगंज के नरपतगंज में खाद के लिए मची भगदड़। कई महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल। हाईस्कूल मैदान पर होना था खाद का वितरण। घटना के विरोध में लोगों ने किया 4 लेन को जाम।
भागलपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के ट्रांसफार्मर को टक्कर मारी। मुजाहिदपुर थाना इलाके का मामला। मसौढ़ी के पुनपुन और धनरुआ प्रखंड के प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव हुआ संपन्न। पुनपुन प्रखंड से प्रमुख पद के लिए गुड़िया कुमारी और मधु कुमारी ने पर्चा दाखिल किया। अररिया नगर थाना इलाके में नए वर्ष को लेकर पुलिस शराबियों के खिलाफ चला रही है मुहिम। एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया जा रहा है अभियान। झारखंड में कोरोना लगातार पसार रहा है पैर। राजधानी रांची में कोरोना का विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची से मिले 246 पॉजिटिव मरीज। न्यू ईयर को लेकर पुलिस सतर्क। शराब और अन्य नशेबाजों पर नकेल के लिए टीम गठित। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में पहाड़ों के तलहटी में रहने वाले लोगों को राहत देने की कोशिश। नगर निगम की लापरवाही के कारण पटना सिटी के चौक शिकारपुर का बड़ा नाला ध्वस्त। नाला गिरने से बिजली का पोल भी गिर गया। इससे 12 घंटे बिजली बाधित रही। तीसरी लहर को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने व्यापक तैयारी की। प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में टैग करने से ग्रामीणों में रोष। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूर्ववत प्राथमिक विद्यालय में वर्ग संचालन की हो रही है मांग। सिवान पुलिस ने एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद की। मैरवा पुलिस ने बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छपरा चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 663 पीस फ्रूटी के साथ एक बोलेरो को जब्त किया। अग्रसेन जयंती के मौके पर मारवाड़ी सेवा समिति के द्वारा अग्रसेन महाराज की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। लखीसराय में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जिले के एकमात्र राइस मिल की मनमानी से परेशान होकर प्रदर्शन किया। सुपौल में खाद की किल्लत से परेशान हुए किसान। खाद की दुकानों पर लगी लंबी कतार। पाकुड़ पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने गैस गोदाम में किया मॉक ड्रिल। आग से बचाव सहित सिलेंडर के पाइप फटने और दूसरी बातों की जानकारी दी। पाकुड़ में उपायुक्त वरुण रंजन ने कल्याण छात्रावास में छात्र छात्राओं के बीच स्पोर्ट्स किट का वितरण किया। भागलपुर की कटहरा पंचायत में अधूरा नाला निर्माण होने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। एक साल पूर्व कराया गया था निर्माण कार्य जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पटना में जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जन्मदिन के मौके पर मजार में चादरपोशी की गई। जेडीयू के छात्र नेताओं ने चादरपोशी की। किशनगंज में कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही वोटर आई कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का विरोध जताया। जहानाबाद में जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। इसमें 13 जिला परिषद सदस्यों ने शपथ लिया। बोकारो में भाषा को लेकर छिड़ी जंग को लेकर छात्रों और युवाओं ने 11 विधायकों का पुतला दहन किया। भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर विवाद है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर नगर निगम ने विशेष साफ सफाई अभियान शुरू किया। शहर के लोगों से सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने की बजाय डस्टबिन में कचरा फेंकने की अपील की। बाढ़ अनुमंडल में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने से इलाके में दहशत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा। हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ बरेली में बुलाई गई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने 7 जनवरी को बरेली में बुलाई मुस्लिम धर्म संसद। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा का विवादित बयान। तौकीर ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए उकसाने वाला बयान दिया। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा, मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। हम हाथ बांधे खड़े नहीं रहेंगे, दंगा होगा। तौकीर रजा ने मुस्लिम धर्म संसद के लिए मुस्लिमों से बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटने की अपील की। 20,000 मुसलमानों के जमावड़े का दावा किया। तौकीर रजा ने देश के शासन प्रशासन पुलिस सियासत यहां तक कि कानून और अदालत से भी मुसलमानों का भरोसा टूटने का दावा किया और उकसाया। नाथुराम गोडसे पर फिर गरमाई सियासत। हरिद्वार के बाद अब अलीगढ़ में भी धर्म संसद बुलाने का ऐलान। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने किया ऐलान। लेडी गोडसे के नाम से मशहूर है पूजा पांडे। गृहमंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। जेआईसी मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बरेली में भी अमित शाह का रोड शो।
अमित शाह आज अयोध्या में रामलला जन्मभूमि के दर्शन के साथ ही मंदिर के निर्माण कार्य का भी करेंगे निरीक्षण। पीएम मोदी की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा खुलासा, एक महीने पहले रची गई थी हिंसा भड़काने की साजिश। पाकुड़ गए पांचों आरोपियों से पूछताछ में खुलासा, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने रची थी हिंसा भड़काने की साजिश। यूपी के रायबरेली में सीएम योगी का एक दिवसीय दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी, 4 जनवरी को एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास, 100 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की जाएगी। यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा 2017 से पहले पर्व और त्योहार पर होते थे दंगे, पहले की सरकारें आस्था पर भी कर रही थी प्रहार। सीएम योगी बोले आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करेंगे तो नुकसान की भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां थक जाएंगी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर पीयूष जैन मामले को लेकर अखिलेश पर बोला हमला, अखिलेश की सरकार के वक्त लूटी गई जनता की गाढ़ी कमाई। मिशन 2022 के लिए अमित शाह के साथ मंथन, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक, सीएम योगी और कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना, समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन का विपक्ष पर हमला, कहा चुनाव से पहले ही यूपी में हार चुका है विपक्ष। रवि किशन बोले यूपी को सीएम योगी ने विराट बना दिया है, गोरखपुर अब गोवा बैंकॉक मॉरिशस को टक्कर देगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा योगी मोदी के सांड किसानों की फसल चेक कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सहयोगियों प्रकाश राजभर की फिसली जुबान, बोले यूपी में समाजवादी पार्टी की विदाई तय, बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर चुटकी ली। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड, रायपुर जिला कोर्ट का आदेश, देशद्रोह के आरोप में खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्म, इस मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गिरफ्तारी का वीडियो पोस्ट करके लिखा जय भारत जय संविधान, नहीं सहेंगे बापू का अपमान। कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने जताया ऐतराज, कहा कालीचरण की गिरफ्तारी संघीय ढांचे का अपमान। दिल्ली मेट्रो पर दिखने लगा कोरोना का असर, अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री कर सकेंगे सफर, खड़े होकर ट्रेवल करने की मंजूरी नहीं। अब 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे, सामान्य हालत में यह आंकड़ा 2400 यात्री तक रहता था। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 3 से 15 जनवरी तक वर्चुअली होगा काम, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया। राजधानी में बेकाबू कोरोना के बीच बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्र पहले फ्लाइट रोक देता तो दिल्ली में नहीं फैलता ओमिक्रॉन। सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई, कहा दिल्ली में 46% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा जिन लोगों ने हाल में कोई यात्रा नहीं की है वे भी ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित, धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है ओमिक्रॉन। कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित, 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1313 मामले सामने आए। कोरोना टीकाकरण को लेकर आईसीएमआर का बड़ा बयान, 9 महीने तक रहती है टीकाकरण की इम्यूनिटी। आईसीएमआर के मुताबिक वैक्सीनेशन संक्रमण को नहीं मौत को रोकता है, सिर्फ मास्क से ही कोरोना को हराया जा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन संक्रमित 52 साल के शख्स की मौत, डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया, 28 दिसंबर को नाइजीरिया से लौटा था शख्स। मुंबई में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 3671 नए केस सामने आए, मुंबई में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 11,360। महाराष्ट्र के गृहमंत्री की लोगों से अपील, घरों में रहकर सेलिब्रेट करें न्यू ईयर, कोरोना नियमों का पालन करें। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का नया कीर्तिमान, अब तक 20 करोड़ लोगों को लगी डोज, सीएम योगी ने लोगों से की अपील जल्द लगवाएं टीका, जीत था। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर हरियाणा सरकार और प्रशासन सख्त, 1 जनवरी से सरकारी और निजी दफ्तरों में एंट्री बैन। देश के साथ साथ हरियाणा में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, करनाल में 6 साल का बच्चा मिला पॉजिटिव,
दिल्ली भेजा गया सैंपल। एमपी के सीएम शिवराज की बड़ी बैठक, सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी समेत विभागीय अधिकारी रहे मौजूद, कोरोना वैक्सीनेशन, रोजगार मेले पर चर्चा। झारखंड के रांची में कोरोना से संक्रमित 68 साल की महिला की मौत हुई, निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को तैयार झारखंड सरकार, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, हर निर्देश का किया जा रहा है पालन। भारत ने जीता सेंचुरियन टेस्ट मैच, दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया, शमी ने लिए सबसे ज्यादा 8 विकेट। ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का वजन 12-13 किलो बढ़ा, खुद किया खुलासा, फिलहाल अमेरिका के चूला विस्टा में ऑफ सीजन अभ्यास कर रहे हैं नीरज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, -4 डिग्री पहुंचा तापमान, लद्दाख में भी गिरा पारा। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड की चपेट में, गुलमर्ग में तापमान -21.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।